मेरे स्कूल और ट्यूशन दोनों का ऑफ है, तो आज जैसे कि दशहरा, तो आप सबको हैप्पी दशहरा। तो आज का व्लॉग जो है आप लोगों के लिए बढ़िया बनने वाला है। तो अभी जो है हमारे घर में होती है दशहरा की पूजा, तो हम जाने नीचे पूजा करने के लिए सारे, तो फटाफट से चलते हैं। चलो खेल बोला, कोई खेला पर पैर मत धरो रे नो ले। अरे रुक तो जा, एक ही करके हुआ ले जा मैं भी टाको भाई ए टाको। गाइस जब जो हमने कुलिया की पूजा करी थी वो हम बांट के आएंगे। सारे बच्चे एक दूसरे के घर में बैठ चुके हैं। उनके पास ये मामी और के दोनों के मैं तो निकाल के दिए। बेटा तू बबीता ताई जी और के लेके आ, और मौसी को। लड़ाई हो रही है दोनों में, कौन किसके घर जाए। मामी जी ले लो रे दशहरा दही। दशहरा दही चीनू को, दशहरा दही, दशहरा दही। मैंने चप्पल नहीं पहन रखी। तो गाइस एक हमको भी मिल चुका है, हम भी देख आते हैं। चलो ये लो आंटी जी, ये लो कुनिया ले लो भैया। अब लगा तो सही अच्छी तरह। जैसे कि आपने देखा आज के दिन की शुरुआत ही पूजा और धूम धड़ाके के साथ हुई है। तो अभी हम ऊपर आ गए हैं और अब देखते हैं कि सब क्या क्या कर रहे हैं। आज जैसे कि दशहरा है तो मम्मा ने बनाया है आज लंच में बढ़िया गर्मा गर्म गोभी के परांठे, और ये है रायता बूंदी का, केचप है उसके साथ, और ये हमारा बटर। पालकी दिखाई अभी, ये साईं बाबा की पालकी थी, वो तो आपको पता ही होगा। और क्या है पापा जी की जो साईं सेवा समिति है वो निकाली है दशहरा के आज के दिन, ये देखो सामने। और ये हमको प्रसाद में भी मिला है। Thank you.
सो गाइस यहाँ पर देखो आप फोर्स बुला रखे पूरी दशहरा ग्राउंड में, रावण खड़े हो रहे हैं इसलिए। तो अभी जो है रावण खड़े भी नहीं हुए हैं, और ये देखो क्रेन के यूज से जो है रावण खड़े कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितने बड़े रावण होंगे। और अभी तो यहाँ पर खड़े नहीं हुए हैं, तो आपको लिटाए लिटाए रावण ही दिखा देते हैं, और फिर चलते हैं कहीं और के रावण दिखाने के लिए आपको। तो अभी आप ये रावण देखो क्रेन की मदद से कैसे इनको करा जा रहा है, और जो लेटे हुए हैं वो रावण आपको दिखाता हूँ मैं। वो मेघनाथ खड़ा, वो कुंभकर्ण खड़े हो रहे थे, ये रावण है और उसके साइड में जो है वो मेघनाथ है। हो चुका है, तो यहाँ का आप रावण देख सकते हो। दस सर का रावण बनाया इन्होंने भी। देखो रावण जलने से पहले जो आतिशबाजियाँ होती है वो हो रही है। यहाँ इस तरफ हमारे मदनपुरी है, पीछे की तरफ दशहरा ग्राउंड है। ये देखो ये लक्ष्य बाहर मजे ले रहा है आतिशबाजियों के, स्काई शॉट फूक रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। मुझे देखो मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं मतलब आप लोगों के लिए वीडियो बना के आया, तभी सर में दर्द होने लग गया और सर में चुन्नी बांध दी है, बहुत ही दर्द हो रहा है, दवाई भी दे दी है। और यहाँ से लाइव देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है स्ट्रीम हो रही है, क्या पता वहाँ पर भी सारा हो गया हो फोड़ने की तैयारी। तो गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ से हम लाइव देख रहे हैं यहाँ पर रावण दहन। पापा जी जो हैं अभी भी शॉप से नहीं आए हैं, बफरिंग कर रहे हैं वहीं से। इसका दोस्त है भारत, इसका फोन चोरी हो गया। वहाँ चल गया दशहरा ग्राउंड घूम गया। गाइस दशहरा ग्राउंड का रावण दहन तो हम देख नहीं पाए, लेकिन हम पापा जी के साथ जा रहे हैं कहीं और का रावण दहन देखने, तो फटाफट से चलते हैं। चलो
दिस इज नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पीछे आपने ब्लॉग में देखा और मेरे जो है हेडेक हो रहा था बहुत तेज़ वाला हो रहा था, तो मैं कल ना ब्लॉग एडिट कर पाया था ना अपना ब्लॉग एंड कर पाया था। तो पीछे आपने देखा मैंने आपको कई जगहों के रावण दिखाए और आप आई होप आपने इंजॉय भी करा होगा। तो कमेंट में ज़रूर जय श्री राम जरूर लिख देना दशहरा के दिन। और कल जो है मैं आपको दशहरा ग्राउंड का रावण दहन इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि गाइस एक तो हम लाइव देख रहे थे यहाँ से, और लाइव देख रहे थे तो वहाँ पर इतनी भीड़ थी और पापा जी भी जल्दी घर पे नहीं आए थे, तो हम रावण दहन तो उन्हीं के साथ देखने जाते हैं, इसलिए हमने मैं आपको दशहरा ग्राउंड का रावण दहन नहीं दिखा पाया क्योंकि पापा जी लेट आए थे शॉप से और हम अकेले जा नहीं सकते रावण दहन देखने, और एक तो कोविड भी है ऊपर से इतनी भीड़ थी वहाँ पर, और लाइव भी उन्होंने रावण दहन नहीं दिखाया, तो मैं वरना आपको लाइव दिखा देता फ़ोन में। तो अब फिर जब पापा जी आए थे तो हम कहीं और का रावण देखने चले गए थे, लेकिन आपको रावण दहन हमने ज़रूर दिखाया। और एक जो हमारी गली में एक छोटे से बच्चे ने बना लिया था रावण, वो भी मैंने आपको दिखाया, हम वो थोड़ा जलने में थोड़ा टाइम ले रहा था। तो आई होप आपको मेरे व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा आज का, और आज जो हमने साईं बाबा की पालकी भी दिखाई मैंने आपको, जो कि पापा जी की साई सेवा समिति है वो निकालती हैं, और आज के मतलब दशहरा वाले दिन जो है उन्होंने साईं बाबा ने समाधि ली थी और इसलिए वो पालकी निकली थी, तो मैंने आपको दिखाया वो सब। और तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।